एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज ईद है, ईद की सभी को मेरी तरफ से मुबारक हो और भगवान करे आपके घर हमेशा खुशियां बनी रहे। और आज वीरवार भी है, पीर बाबा का भी दिन है। मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, तो बस करने जा रही हूँ मैं पूजा। मैंने इनके लिए चाय बना दी है, बस मैं पूजा करके आपसे मिलती हूँ। आज देखो मैंने डबल बेड की नई चादर बिछाई है गाय, इस तरह ये देखो। इसके दो तकिए भी और बीच में एक, ये देखो छोटा तकिया भी है, ये भी बड़ा सुंदर लगता है। छोटा सा तकिया, दो तकिए बड़े और एक छोटा तकिया। गाइस मुझे बताना ये चादर आपको कैसी लग रही है। ये बेड आज पूरा कंप्लीट हो गया, बेड आज मैंने बिल्कुल नए से बिछा दिया है। बाकी ये इसके कर्टन रह गए हैं खिड़की के, तो चीना कह रही है जब तक मेरा बेड नहीं आएगा मम्मी कर्टन हम ठहर के लाएंगे। बेड इसका दो तीन दिन में आ जाएगा, तो कर्टन भी आ जाएंगे। हर काम धीरे धीरे होता है। यहाँ पर मैंने अपनी सीनरी भी लगा दी है और यहाँ पर अपना यूट्यूब का बटन भी लगेगा। और अभी आज मैं घड़ी लेने भी जाऊँगी, यहाँ पर घड़ी भी लग जाएगी। गाइस ये देखो, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है जो कल लेके आई थी। ये देखो ये सारे भर गए हैं। ये बिल्कुल देखो सुंदर लग रहा है अभी। आज हमारी जो काम करती है राधा, वो नहीं आई है। जो वो कहने लग पड़े कि आज ईद है, ईद करके हमारे वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहाँ जहाँ रहती होगी वहाँ ईद वगैरह मनाते होंगे, करते होंगे, तो वहाँ पर कहती थोड़ी सी प्रॉब्लम है आने की, बसेस वगैरह की। तो आज मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि दिन त्योहार का टाइम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज वो नहीं आई। तो मैंने अपने घर की सारी, देखो गाइस, पूरी की पूरी अपनी कमरे की सफाई कर दी है, बिल्कुल कमरा साफ सुथरा कर दिया है। तो वो मना कर गई थी, अब देखो कल आती है, परसों आती है, अब शुक्रवार शनिवार आएगी, संडे को फिर उसकी छुट्टी होगी। तो जिस दिन नहीं आती गाइस उस दिन तो खुद काम करना ही पड़ता है। रात के लिए वाइट छोले भिगो के रख दिए हैं, भीग चुके हैं बस। अब मैं जरा जा रही हूँ मार्केट पूजा के साथ, पूरा काम है तिलक नगर। दूध वगैरह उबाल दिया है, बर्तन वर्तन साफ कर दिए हैं, किचन विचन बिल्कुल सारी की सारी साफ हो चुकी है। बस मैं अब पूजा के साथ जा रही हूँ तिलक नगर। अभी मैंने पूजा और हेमा को कहा था कि मेरे साथ तिलक नगर चलो, तो वो तिलक नगर मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे बड़े सारे काम है, मेरे पास एक स्टैंड है, मतलब उसके अंदर मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर लेने हैं, वो मैं लेके आऊँगी, और मैट भी लेके आने हैं। कई चीज़ें हैं जाके जब मार्केट में देखूँगी तो समझ आएगी। घड़ी भी नहीं है, घड़ी भी लेके आनी है। तो मैंने कहा पूजा और हेमा को बोला, मैं चलो घूमने चलते हैं, थोड़ा तिलक नगर भी घूम आएंगे और घर का सामान भी ले आएंगे। कल भी तो मैं हेमा के साथ ही जाके ये सब लेके आई थी, फ्लावर वगैरह जो भी है सब लेके आई थी कल। आज भी मैं पूजा और हेमा के साथ ही जाके सब सामान लेके जा रही हूँ। बस अभी हम घड़ी लेने के लिए शॉप पे घुस रहे हैं। ये टाइटन के वर्मा क्लॉथ हाउस, वर्मा क्या है, वॉच हाउस है, मैं क्लॉथ हाउस बोली जा रही हूँ। बस इस दुकान पे आए हैं, तो इस दुकान पे देखते हैं कुछ घड़ी पसंद आती है, घड़ियाँ ही घड़ियाँ हैं। अब देखते हैं कि कौन सी घड़ी, ये देख घड़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर है। अब तू पसंद कर, ठीक है, छोटी सी सुंदर सी स्मार्ट सी घड़ी देखते हैं। जिस शॉप की दुकान जहाँ पर हम गए थे घड़ियाँ लेने, वहाँ घड़ी पसंद ही नहीं आई। अब हम आर्चिस गैलरी में आए हैं, यहाँ पर आके देखते हैं कि शायद कोई घड़ी पसंद आ जाए, देखते हैं। ये घड़ियाँ हैं, देखते हैं कोई पसंद आती है तो। इस साइड भी है, कल भी हमने डेकोरेशन का सारा सामान लिया था। ये देखो यहाँ भी है, गणपति जी हैं, बहुत सुंदर सुंदर देखो बने हुए हैं, बहुत सुंदर है ये। कल वहाँ भी हमने देखे थे ऐसे, पर मेरे आए नहीं थे, मैंने वापस कर दिए। ये गणपति जी है, घर का कोई सामान लेना हो जो आर्चिस गैलरी में बहुत अच्छा मिल जाता है। है पूजा, क्या देख रहे हो तुम लोग? शिव परिवार थे, मम्मी कह रही थी ना लेने को। ये 1695 का बहुत हेवी है, 1695 1700 का समझ लो, हेवी सारा। देखो ये देख, नीचे देखो, ये देखो चीज में फर्क है, दीदी चीज में फर्क है, ये देखो नहीं भैया फिनिशिंग में फर्क है, फिनिशिंग में दिख रही है। हां ये फिनिशिंग, ये पत्थर अच्छा है, ये अच्छा है, हां हां दिख रही है। ये देखो शिव जी भोले, ये माता रानी, ये शिव परिवार, ये देखिए माता रानी की। बस अभी अभी हम इस दुकान पर पहुंचे हैं, मुझे फ्लावर वगैरह लेने हैं,
तो मैं भैया को स्टैंड दिखाती हूँ तो भैया फ्लावर दिखा देंगे। फ्लावर तो बहुत तरह के हैं, ये देखो गाइस बहुत तरह के फ्लावर्स हैं। अब मैं भैया को दिखाऊंगी तो ही समझ आएगा, भैया बीच में लगा के दिखाएंगे ना। नहीं क्या जस्ता है, क्या नहीं जस्ता, मेरे को निकाल खोल के रखो। ये देखो स्टैंड लगी भी पड़े हैं। ये मैं मैट की दुकान पे आई हूँ, पिंडी मैट हाउस है, तो बिल्कुल यहाँ से आके मैंने ये वाले मैट लिए हैं, चीना के कमरे का और एक ये मेरे कमरे का, दो लिए हैं मैंने ऐसे सेम, ये अच्छे लगे मुझे। और पहले भी जो बाथरूम के बाहर लगा हुआ है वो ये वाला है, आज तक भी ख़राब नहीं हुआ, तभी मैं इस शॉप पे आई हूँ। आपको भी आना हो तो इस भाई साहब के पास आ सकते हैं, मिंडी पिंडी मैट हाउस, कोई बात नहीं, हटा दे पिंडी मैट हाउस, सबको पता है, माल रोड पर है ना ये? यस बिल्कुल ही माल रोड, हाँ माल रोड पर है, तो कोई भी आए आके यहाँ पर, मैट बहुत अच्छी है, हर चीज़ है इनके पास। देखो गाइस पूरी वैरायटी है, पूरी वैरायटी हैंड टॉवल से लेके सब कुछ है, और मैच तो बहुत सारे हैं। मेरे को रनर अप भी चाहिए, वो भी दिखा दो आप मुझे एक बारी। हम सिंगला पे आ गए हैं क्योंकि याद है गोलू की एंगेजमेंट यहीं पर ही हुई थी गाइस, गोलू की एंगेजमेंट यहाँ नीचे हुई थी, कहा यहाँ अंदर पता नहीं नीचे जाके नीचे, नीचे बेसमेंट में, यहाँ नीचे गोलू का जो हमने एंगेजमेंट की थी रोका किया था वो नीचे बेसमेंट में किया था। और यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए पूजा मैं और हेमा आ रखे हैं, कहती भूख लगी है मासी, मैं तो कुछ भी खा लेते हैं। देखो पाव भाजी भी है, जो खाना हो देख लो खा लो, ठीक है आ जाओ गोलगप्पे खाते हैं, आ जाओ भैया गोलगप्पे खिलाने। हम तिलक नगर प्रीति यू के पास बिल्कुल बाहर खड़े हैं, गोलू और जो चीनी है वो यहीं से कपड़े लेती थी, गोलू तो मोस्टली कपड़े यहीं से लेती थी, गोलू को यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। हम माल रोड पे है तिलक नगर, हमने जो लेना था सारी शॉपिंग कर ली है, बस घर जाके गाइज मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। आज क्या बात है टीवी बंद करके बैठे हुए हो, टीवी देखना प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया तो उल्टा लेट हो गई है मार्केट से। हाँ मार्केट में बहुत सारा काम था, पता छोटे छोटे जगह में ये काम कर ये कर वो कर, बहुत टाइम हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, मैंने चलो लेट आया थोड़ी देर आराम कर लेते। चलो मैं गाइज को एक चीज दिखाती हूँ, गाइज ये देखो मैं ये देखो ये स्टैंड हमारे पास था, ये ब्लैक कलर का ये और ये स्टैंड था, इसके अंदर मैंने ये लगवाए हैं पौधे, ये रेड कलर में, पहले रेड कलर का लगा रहा था तो मैंने कहा बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है, तो उन्होंने फिर ये लगा दिए साथ में, और एक ये वाला मनी प्लांट का, इसका स्टैंड ब्लैक है और गोल्डन क्या कहते हैं इसको पॉट, हाँ पॉट, गोल्डन पॉट है, स्टैंड ब्लैक है, इसमें मनी प्लांट लगा दिया है और इसमें ये लगा दिया। गाइस बताना आपको ये कैसा लगा है ये दोनों पौधे। और एक मैं लेके आई हूँ अपने लिए ये चप्पल, पूजा ने भी लिया है मैंने भी लिया, पूजा ने भी लिया है मैंने भी लिया, हाँ पूजा ने लिया है एक चप्पल तो हाँ उसकी आई है 300 रुपये की, अच्छा और मेरी है वो उसके ब्लॉग में गाइस आप देखना, और मेरी आई है 400 रुपये की, ये चप्पल है। नहीं फर्क की बात नहीं, अपने अपने चप्पल का होता है ना, बात 300-400 की नहीं है, जो उसको पसंद आएगी वो लेगी, जो मुझे पसंद आई मैंने ली, तो मैं तो भैया को कह रही भैया मेरी भी 300 की है, कहता नहीं आपकी 400 की है, मैं कोई बात नहीं 100 रुपये ले तू चप्पल दे, मैं ब्लैक कलर की लेके आई हूँ, हाँ मैं ब्लैक भी कर जाती है, हर कलर की होनी चाहिए चप्पल, ब्लैक होगी ये क्रीम होगी वाइट होगी सबके साथ चल जाती है। गाइस बताना आपको ये चप्पल कैसे लगी, ये सेल के ऊपर है, वैसे 500 रुपये की थी उसने मुझे 400 रुपये की दी है, और मैं अभी सामान लेके आई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस मैं ये मैट लेके आई हूँ ये बाहर बिछाने के लिए, जैसे कमरे के बाहर मैट तो भी थोड़ी दिन पहले तो लेकर आई थी मैट, वो आपको पता जब काम कराया, हाँ तो काम कराया उसमें मिट्टी गिर धूल गिर ये गिर वो गिर पानी गिर, मैंने उठा के बाहर फेंक दी, डेकलिन करवा लेती क्या फायदा, डेकलिन से तो उतने पैसे लग जाते हैं, क्या 450 रुपये का एक है, अच्छा 450 रुपये का एक है, ये 450 रुपये का है, यानी कि 900 रुपये की, वो मैट मेरे हिसाब से मुश्किल 15 महीना नहीं बिछाऊंगे, नहीं हाँ हाँ महीना डेढ़ महीना होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और एक ये रनर अप है, दो तीन महीने बिछाए हैं रनर अप, दो बेड के आगे आता है, अच्छा बिछा के दिखाते हैं, ये इस टाइप का ऐसे बेड के आगे अच्छा लग रहा है, पूजा करती मासी यही ले लो क्योंकि बैग लाइट है ना, हाँ डार्क कलर का अच्छा लग रहा है, डार्क कलर का अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है ना, हाँ तू बता दे इधर देख के बता कैसा लग रहा है, मैं तो लाई हूँ आप देखो ना आपको कैसा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, गाइस को दिखाओ मेरे को अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा है ना, अच्छा हाँ थोड़ा डार्क लाइट हो गया ना, हाँ लाइट बीच में डार्क, ये भी लाइट है तो बीच में डार्क, और चद्दर
चादर भी अच्छी लग रही है ना, चादर अच्छी लग रही है ना? हाँ। अब लाइट वाइट आसान है क्या, आसान सामान लग जाएगा ना? हाँ। तो सारा सेटिंग हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है ये पर्दे रह गए। हाँ, पर्दे रह गए हैं। अब कल तो नहीं, कल मैं जा रही हूँ अपनी गाइस अपनी मम्मी के घर, क्योंकि कंचन हेमा हम सब मम्मी के घर जा रहे हैं, तो कल मेरे पास टाइम नहीं है। तो परसों सैटरडे को चीना के साथ तिलक नगर जाऊंगी, पर्दे डिसाइड कर दूंगी। संडे को आएगा सुबह सुबह पर्दे लगा, नहीं संडे को आएगा पहले नाप के जाएगा। तेरे भी पर्दे हमारे हमारे आगे रूम के पर्दे लगने हैं और चीना के रूम के पर्दे लगने हैं, दोनों रूम के लगने हैं पर्दे। हाँ, हाँ। मंदिर, के। मंदिर का भी, मंदिर में पर्दे लगने हैं। हाँ, मंदिर का भी लगेगा। तो फिर अब कल परसों जाएंगे और कल आके वो नाप ले, परसों जाएंगे और संडे को आके नाप ले जाएंगे। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले जो पर्दा बनाएंगे ना मंदिर में बनवाइयो। हाँ, उसके बाद फिर रूम के नहीं बनेंगे तो कट्ठे नहीं बनेंगे, कट्ठे लगा मंदिर का पहले लियो। हाँ, पहले मंदिर का लगा लूंगी। आपको कौन सा कलर पसंद है? हाँ, कलर गाइस, अगर आपको कोई चीज पसंद आई हो तो मुझे बताना, ना भी पसंद आई हो तो भी मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। छोले व्हाइट वाले बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, ये देखो गाइस, ये छोले बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। बस अब रोटी बनानी है, और कोको पुची की भी रोटी बन चुकी है, वो भी अपना रोटी खा रही है। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो और शेयर करो आगे से आगे, ताकि मेरी वीडियो आगे से आगे जा सके। और जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो तरुण बसरा 9 है, जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो करो। जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो फेसबुक पे आते हैं, उसकी भी जो आईडी है फैमिली चैनल के नाम से है, तो जिन्होंने वहां हमें फॉलो नहीं किया तो वहां भी जाके जल्दी से फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।